अस्सलाम वालेकुम, मैं नीलोफर सरवर अंसारी और आज हमारे किचन में बन रहे हैं चना ड्राई, जो बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी से। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। हमने आधा किलो ब्राउन चना लिया है और हम इसे कुकर में बनाएंगे, तो हमने इसे कुकर में ऐड कर दिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और इसे इस तरह से कट कर दिया है हमने, वो ऐड कर देंगे। 8 हरी मिर्चें ली हैं, उसे भी इस तरह से कट कर लिया है हमने, उसे भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। और आधा कप से थोड़ा ज़्यादा हमने कुकिंग ऑयल लिया है। बस हमें इतने ही मसाले ऐड करने हैं इस चने में। अब हम इसमें एक गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें 6 सीटी तक गलाना है। छः सीटी बाद हम इसे खोल लेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। अब हम इसे सुखाना है। इस पानी को हम सुखा लेंगे। चना अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए, तो हम देखेंगे कि चना जो है वो अच्छी तरह गल चुका है और थोड़ा सा पानी है इसमें, वो हम सुखा लेंगे तेज़ आंच पर। इस तरह चम्मच चलाते रहें। अब जो पानी है वो ड्राई हो गया है और मसाला भी भून गया है। जब पानी ड्राई हो जाए तो आप 1 मिनट तक और भून लें अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे, आधा कप। आंच को तेज़ कर दें और 1 मिनट तक और मिक्स कर लें अच्छे से। तो ये जो चना है रेडी हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। रमज़ान में इसे ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कैसे बने थे। तो इसी तरह की यूनिक रेसिपी आपके साथ और शेयर करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ये फ्री है। और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।